उपचुनाव होने जा रहा है। कहा है कि जो सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं 1932 का खतियान और OBC आरक्षण, इस पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो केंद्रित रहेगा और प्रभाव भी डालेगा। झारखंड बनने के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अगर एक दो उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी में गठबंधन जीती है और कांग्रेस ज़्यादा फायदे में रही है बराबर भी। जहाँ तक रामगढ़ के चुनाव में खतियान की बात है, खतियान का की मांग बहुत दिनों से यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग कर रहे थे और उनके आशा के अनुरूप, उनके मांग के अनुरूप हेमंत सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने उसको पूरा किया। अब ये मामला केंद्र के पास लंबित है। 27% आरक्षण की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस ने 2014 के भी अपने घोषणा पत्र में और 2019 के भी घोषणा पत्र में, विधानसभा लोकसभा दोनों में जनता से वादा किया था कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस मांग को पूरा करेंगे और उसके अनुरूप उसको पूरा किया गया। इसलिए इस दोनों चुनाव, दोनों मुद्दों का यदि इस पर फायदा हानि की बात हो, चुनाव मुद्दा बनेगा तो हमारे पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।